कामना शुरू हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना और मैं आज आपको बताऊंगी कि आज हमने ArcGIS और ArcMap जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है, इसको हमने यूजिंग अल्टरनेटिव स्ट्रीट्स नेम एंड प्लेस नेम के स्ट्रीट्स और प्लेस को नेम कैसे देना है। सबसे पहले हम ArcMap और ArcGIS को ओपन करना है हमने। इसमें हमने अपना डाटा नेविगेट करना है। इसमें होता ये है कि नेविगेट दी ऑल्टरनेटिव जियो डाटा और फिर हमने क्लिक कर देना ओके। यहाँ पर हमने अपना डाटा नेविगेट करना है और यहाँ पर जो हमारी चार फाइल्स हैं पड़ी हुई हैं, इसको हमने साथ साथ नेविगेट करते रहना है। सेकंड ये है कि जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस पर क्लिक करेंगे और जो एम्प्टी स्पेस है उस पर क्लिक करेंगे और फिर हम क्लिक करेंगे न्यू एड्रेस लोकेटर। अब हम क्रिएट करेंगे एड्रेस लोकेटर को, फिर बटन नेक्स्ट करेंगे, फिर एड्रेस स्टाइल बॉक्स और यहाँ पर हमने क्लिक करना है एड्रेस लोकेटर के ऊपर और फिर अल्टरनेटिव बॉक्स पर हमने करना ये है कि इसके ऊपर स्टाइल बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर डुअल प्लेस चूज़ करनी है और फिर हमने एड्रेस स्टाइल के हमने यूएस को क्लिक करना है, यूज़ कैसे करना है इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे कि ब्राउज़ बटन पर क्लिक करेंगे जो कि रेफरेंस है, दैट इज़ रेफरेंस द डाटा। इसके अंदर हम हमारा जो डाटा डायलॉग है इसको हमने ब्राउज करना है। यहाँ पर हमने आउटपुट देना है और फिर ओके कर देना है। यहाँ पर हमारे पास लोकेटर एड्रेस लोकेटर, इसको हमने ऐड कर देना है, फिर हमने इसको नेम दे देना है। ये हमारे पास आ गई है फाइल फॉर्म में, इसको हमने सेव करना है और फिर नेम देना और फिर ये हमारे पास फाइल की फॉर्म में आ गया। अब हमने दोबारा जो 6-7 स्टेप थे, जहाँ पर हमने ब्राउज़ बटन को क्लिक करना है, जहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस टू दी डाटा डायलॉग बॉक्स, इसके बाद हमने करना है अल्टरनेटिव ब्रोस की अल्टरनेटिव फाइल, उसके बाद क्लिक करके जो ब्रोस किया था इस स्टेप को रिपीट करना है हमने। हम न्यू डाटा केबल, हमने जो न्यू डाटा केबल बनानी है उसके बाद इसको हम नाम देंगे अल्टरनेटिव का। अगर हमारे पास ये फॉर्म में ना भी मौजूद हो तो फिर हमने इसको, हमारे पास फॉर्म ना हो तो यहाँ पर हमने अल्टरनेटिव को क्लिक करना है, इसको ऐड करना है और ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। फिर हमने इसको ऐड करना है, इसको नाम देना है और फिर इसको सेव करना है। तो हमारे पास न्यू पहले वाली जो स्टेप किए थे इसका अल्टरनेटिव यहाँ तक हमारे पास आ गया है, इसको हमने ओके कर देना और फिर सेव कर देना। जो स्ट्रीट अलाइंसिस जो हमने यूज़ किए थे इनको नेम दे दिया है, उसके बाद हमारे पास आ गया है, यहाँ तक हमने अपना फाइल जो बना दिया है।